हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जो चैनल पर नए हैं हमसे गुजारिश है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस अब तक पहुंच सकें। और आज हम सॉल्यूशन करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें हमें जो चीज़ें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में और तमिल में मिल जाएगा। इक्वल्स टू 708 NMM², ठीक है। और इसके बाद इनिशियल एरिया इक्वल्स टू ए ज़ीरो, ठीक है। ए ज़ीरो रखा है इनिशियल एरिया, तो ए वन इक्वल्स टू हम कर देंगे इनिशियल एरिया का ए ज़ीरो से। और फाइनल एरिया जो हमारा है, फाइनल एरिया तो वो हम फाइंड करेंगे, ए एफ लिखेंगे हम उसको, ए एफ से डिनोट करेंगे। तो ए एफ जो है वो इक्वल्स हो जाएगा 100 - 44% ऑफ ए ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो के जो गिवन है वो हम माइनस कर देंगे 100 से, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा। तो हमारे पास 56% ऑफ ए ज़ीरो, ठीक है। तो एक्चुअल एरिया ए एफ हमारे पास जो गिवन है मिला है वो हमें डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 0.56 A₀, ठीक है। अच्छा, अब इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है तो वो हम निकालेंगे। हमें पता है एफ ए ज़ीरो, ठीक है। तो एफ इक्वल्स हो जाएगा हमारे 708 इसके से, और अब टोर्स स्ट्रेंथ मालूम करना हमने, तो टोर्स स्ट्रेंथ इक्वल्स होता है फोर्स और एक्चुअल एरिया के डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया, ठीक है। फोर्स हमारे पास है एफ ज़ीरो ओ 708 A₀, और नीचे है 0.58 एक्चुअल, ठीक है। ठीक है, और जब हमारे पास टोक बनेगा जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास आएगा
कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे और ये आ रहा है 1264.28, और ये होगा इसका एन डबल एम स्क्वायर। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।